जीनत खान और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर गढ़ा थाने के सामने मात्र 10 रुपए के पीछे युवक से मारपीट करते हुए आरोपियों ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आते ही गढ़ा पुलिस ने 2 नाबालिग साथी और 3 आरोपी को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक छोटू साहू ऑटो चलाता है। गढ़ा थाना के सामने शराब पीने के बाद 10 रुपए लेकर वह एक दुकान पहुंचता है, जहां पर 50 रुपए का सामान खरीद लेता है। दुकानदार काली जब उससे और पैसे मांगता है तो वह गाली गलौज करना शुरू कर देता है। दुकान के पास खड़े लोग उसे समझाते हैं, बावजूद उसके जब वह नहीं माना तो दुकानदार काली कोरी गाली गलौज करते हुए पीड़ित के साथ जमकर मारपीट करते हुए उसका वीडियो वायरल कर देता है। इधर पीड़ित छोटू साहु का कहना है कि वह दुकान में कुछ सामान लेने गया था, उस दौरान उसके साथ गाली गलौज की गई तो उसने भी गाली दे दी। इसके बाद पीड़ित अपने घर चला गया तो आरोपियों ने उसे फोन करके घर से बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए 2 नाबालिग सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा कराने के बाद पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से पीड़ित को ठेस पहुंची है, जिसकी शिकायत SP को की गई है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है गढ़ा थाना क्षेत्र का, बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, अब तक किस तरह की कार्रवाई? बीती दरमियानी रात का एक कथित त्रिपुरी चौक का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको जैसे ही संज्ञान में आया पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि इसकी तस्दीक करवाएं एवं अगर ये गढ़ा थाना क्षेत्र का पाया जाता है तो इस पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए, जिस पर से थाना प्रभारी गढ़ा एवं उनकी टीम के द्वारा जो भी वीडियो में लोग दिखाई दे रहे थे उनको चिन्हित किया गया है और उनसे उनको पूछताछ के लिए गढ़ा थाना बुलाया गया है और जो फरियादी है उसको भी चिन्हित किया गया है और उस फरियादी को भी थाने बुलाया गया है, जो कि अभी तक थाने नहीं पहुँचे हैं, मगर जैसे ही वो पहुँचते हैं जो भी घटनाक्रम बताते हैं तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अतिशीघ्र की जाएगी। अभी तक किस तरह की जानकारी सामने आई है, मारपीट की वजह वगैरह कुछ स्पष्ट हो पाया? अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें जो पता चल रहा है कि इनका दुकान स्थानीय दुकानदारों से एक ऑटो चालक का कुछ सामान खरीदने गए थे, उसको पैसे कम थे उसके पास और वो ज़्यादा सामग्री मांग रहा था और इस वजह से उनकी कुछ आपस में कहासुनी हो गई, जिस वजह से इसमें इन आपस में लोग झगड़ा किए हैं। अगर बाकी जैसे ही फरियादी जो है जो इसका वीडियो वायरल हो रहा है वो जो भी घटनाक्रम बताएगा और स्थानीय दुकानदारों से जो भी घटनाक्रम पता चलेगा उस पर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। नाम कुछ सामने आए हैं? हाँ, नाम कुछ सामने आए हैं, परंतु अभी जब तक इसकी तस्दीक नहीं हो जाती कि ये वही नाम है कि नहीं, उसका खुलासा करना उचित नहीं होगा। लेने गया रहा मैं दारू पूरी, मेरे को गाली गलौज करी, मैंने भी करा उनसे, फिर इतनी बात हुई मैं घर चले गए, फिर पुलिस मेरे को आज उठा के लिए गया। तो मारा क्यों लोग रहे? मारा था उन लोगों ने। क्यों मारा था? ये कि पैसे तो पीने खाने के लिए। फिर किस तरह से, कौन लोग थे, जानते थे उन लोगों को? जी। मतलब इससे पहले भी विवाद हुआ था? नहीं 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 हुआ था। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? वो काली है और सुमित है और एक लड़का हुआ। वो विवाद किस बात का था क्या? नहीं जी, पैसे तो दारू पीने, मैंने नहीं दिया तो मारपीट करना चालू। आप भी शराब के नशे में? मैं तो नहीं रहा, मैं नहीं रहा। आपका नाम क्या है? छोटू।